लद्दाख सेक्टर में चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच पिछले कई दिनों से जंग जारी है। ये जंग गोली से नहीं बल्कि बोली से लड़ी जा रही है, जिसमें बंदूकों की जगह लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल दोनों पक्षों द्वारा किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पैगोंग में फिंगर 4 के इलाके में बीते कई दिनों से लाउडस्पीकर और बैनर ही दोनों तरफ से लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बैनर अंग्रेजी और चीनी भाषा में तैयार किए गए हैं। इन पर लिखा हुआ है, शांति बहाल रखने के लिए आप वापस अपने इलाके में लौट जाओ, इस समय आप भारतीय ज़मीन पर हो। वहीं चीनी सैनिकों के बैनर अंग्रेजी और हिंदी में हैं। चीनी सैनिकों ने अपने बैनरों पर लिखा है कि हम अपने ही इलाके में हैं, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत और चीन को बराबर पीछे हटना होगा। दरअसल गलवान घाटी में भारतीय जवानों के पराक्रम को देख चुके चीनी सैनिक अब सीधे टकराव से बच रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच जारी सैन्य गतिरोध अब वाक युद्ध में तब्दील हो चुका है। भारतीय सैनिक लाउडस्पीकर और बैनरों के जरिए चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र खाली कर अपनी सीमा में लौटने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं चीनी सैनिक भी उन्हीं की तरह लाउडस्पीकर और बैनरों का इस्तेमाल कर भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। चीनी सैनिक पोर्टेबल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन में 20 से 30 बार दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए लाउडस्पीकर पर ऐलान करने के साथ साथ बैनर लहराए जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया कि लाउडस्पीकर पर ऐलान करते हुए दोनों तरफ के जवानों की टुकड़ियां कई बार एक दूसरे के आमने सामने भी खड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें हाथापाई की नौबत नहीं पहुंची। जब ऐलान करती या बैनर लहराती टुकड़ियां एक दूसरे के सामने पहुंचती हैं तो करीब एक एक घंटे तक मौके पर डटी रहती हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में बीते कुछ सालों के दौरान जब भी कभी भारत और चीन के बीच LAC पर सैन्य गतिरोध पैदा हुआ तो दोनों तरफ से कई बार बैनर का इस्तेमाल किया गया। लाउडस्पीकर का इससे पहले भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस समय लाउडस्पीकर पर ऐलान करने के बाद सैन्यकर्मी वापस पीछे लौट आते थे। इस बार दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी अग्रिम पोजीशन पर डटे हुए हैं, जिस कारण कभी भी यह अंदेशा बना रहता है कि दोनों के बीच खूनरेजी झड़प हो सकती है। इस बीच भारत ने गुरुवार को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पूर्ण रूप से पीछे हटने के लिए प्रत्येक पक्ष को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अपनी ओर नियमित चौकियों की तरफ सैनिकों की पुनः तैनाती करने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि यह दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के आधार पर एक दूसरे द्वारा उठाए गए कदमों से ही हासिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर 1962 के बाद पहली बार इतने ज़्यादा तनाव हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।